रुक करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां आबकारी घोटाले मामले में ईडी सक्रिय। ईडी की हिरासत में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा। ईडी ऑफिस में दोनों से चल रही है पूछताछ, आज विशेष कोर्ट में किया जा सकता है पेश। तो आज विशेष कोर्ट में दोनों को पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि लगातार ईडी जो है वो सक्रिय है। अब आबकारी घोटाले मामले में एक बार फिर से ईडी की सक्रियता नजर आ रही है। ईडी की हिरासत में है रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा। ईडी ऑफिस में दोनों से ही पूछताछ जारी है। आज विशेष कोर्ट में इन दोनों को पेश भी किया जा सकता है। तो आबकारी घोटाले का ये पूरा मामला है जिसमें ईडी की सक्रियता एक बार फिर से देखने को मिल रही है। ईडी की हिरासत में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा है, उनके साथ साथ उनके बेटे को भी, यानी कि यश टुटेजा को भी ईडी ने अपने हिरासत में लिया है। आज विशेष कोर्ट में दोनों को पेश किया जाता है, किया जा सकता है। आबकारी घोटाले मामले में दोनों से पूछताछ लगातार जारी है। ईडी की टीम जो है दोनों से पूछताछ कर रही है। आज विशेष कोर्ट में दोनों को पेश भी किया जा सकता है। मनोज नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, दिन पर दिन ईडी की सक्रियता, ईडी का एक्शन बढ़ते जा रहा है हर घोटाले मामले की, जिस भी घोटाले की हम बात करें, चाहे वो कोल घोटाला हो, आबकारी घोटाला हो, शराब घोटाला हो, जिस भी घोटाले की हम बात करें। अब आबकारी घोटाले मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा से भी पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ जानकारी इस पूछताछ में सामने आ चुकी है? जी देखिए, 8 अप्रैल को ईडी ने एक बार फिर जो है नया ईसीआईआर दर्ज किया है आबकारी घोटाले मामले में। इससे पहले जब मैं पुराने ईसीआईआर पर जो है ईडी लगातार जांच कर रही थी, इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद जो है ईडी ने ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरण जो कि आबकारी घोटाले का है, इसी एफआईआर के आधार पर नया ईसीआईआर दर्ज किया और इसके बाद से लगातार जो जांच चल रही थी। इसी बीच कल ईडी के अधिकारियों को यह जानकारी लगी कि जो आबकारी घोटाले मामले में आरोपी है अनिल टुटेजा, जो कि रिटायर्ड आईएएस है, और उनके बेटे यश टुटेजा, दोनों ही ईओडब्ल्यू के ऑफिस में बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। इसके बाद ईडी के अधिकारियों की एक टीम तुरंत जो है ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंची, जहां से दोनों पिता पुत्रों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद जो है उन्हें शाम के करीब 5:15 बजे जो है ईडी के जोनल दफ्तर जो की पचपेड़ी नाका में यहां लाया गया और उनसे लंबी पूछताछ की गई। इसके बाद जो है यश टुटेजा को तो अभी छोड़ दिया गया, लेकिन अनिल टुटेजा कहीं ना कहीं ईडी की अभी हिरासत में ही है। और क्योंकि कल शाम के जो है 5 बजे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, 24 घंटे से पहले उन्हें कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है, तो आज जो है ईडी हर हाल में जो, हालांकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन जो अवकाशकालीन बेंच है विशेष कोर्ट की, उसमें उन्हें पेश करेगी और संभवतः जो जानकारी है या जो कानून विशेषज्ञ मानते हैं, उन्हें जो आज एक दिन के लिए जेल भेजा जाएगा और कल जो है फिर से उनकी जो है पेशी जो है विशेष कोर्ट में हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में जो है अब ईडी ने जांच का दायरा और ज्यादा फैला दिया। जिस प्रकार से पिछली बार ईडी लगातार आबकारी घोटाले मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजी थी, अब जो नई ईसीआईआर दर्ज की गई है उसमें जो है 70 आरोपी जो है ईओडब्ल्यू ने शामिल किए थे और इस 70 आरोपियों को जो है ईडी ने अपने नए ईसीआईआर में भी दर्ज किया, जिसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा सहित जो है कई रिटायर्ड अधिकारियों के भी नाम शामिल है, कई आबकारी अधिकारियों के भी नाम शामिल है। उन्हें जो है लगातार जो है समन्स भेजा जा रहा है ईडी दफ्तर की ओर से, उनसे पूछताछ की जा रही है, कई डिस्टिलरी मालिकों से पूछताछ की जा रही है। तो अब यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में भी यह हो सकता है कि ईडी कोई बड़ा एक्शन ले, कई बड़े चेहरे ईडी की हिरासत में होंगे, ईडी के दफ्तर में होंगे। संभावना यह भी जताई जा रही है कि फिर से एक बार जो है आबकारी घोटाले के जो घोटालेबाज हैं वे जेल की सिक्कों के पीछे जाएंगे। तो बिल्कुल, आज विशेष कोर्ट में दोनों को पेश भी किया जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया।